हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको हिंदी ग्रामर में 4 लेसन कंप्लीट करा दिया था और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे हमने आपको होम टास्क में दे दिए थे। आज हम एप्लीकेशन और लेटर मतलब प्रार्थना पत्र और पत्र आपको सिखाएंगे। इधर देखिए, सेवा में श्रीमती प्रधाना अध्यापिका मोतिया, इसमें यहाँ देखिए अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल मेल है तो यहाँ पर श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय आएगा, लेकिन अगर आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल फीमेल है तो उस वेस पे आपको श्रीमती प्रधाना अध्यापिका महोदय लिखना है। स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम लिखेंगे जयपुर राज्य। महोदय, सर्व निवेदन है कि कल स्कूल से लौटते समय मुझे तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 12/10/2000 से 13/10/2000 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य, नाम आपका कक्षा 3rd। देखिए आप इसमें यहाँ पे जैसे कि मैंने बताई दिया था आपको प्रिंसिपल, इसके बाद में देखिए अगर लड़की है तो नहीं आ सकूँगी और लड़का है तो नहीं आ सकूँगा। उसके बाद में यहाँ पे डेट, जिस दिन की आपको एप्लीकेशन लिखनी है उसी अकॉर्डिंग आपको डेट लिखनी होगी। इसके बाद में यहाँ पे आपकी आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य तो हो गई लड़का, सॉरी आपका आज्ञाकारी शिष्य तो लड़का और शिष्या लड़की, तो शिष्य लड़का होगा तो शिष्य और लड़की होगी तो शिष्या। डेट यहाँ पे आप जिस दिन का एप्लीकेशन लिख रही है उसका नाम आपका लिखेंगे और कक्षा 3rd। इसके बाद देखिए हम पत्र पढ़ेंगे। उपहार के लिए चाचा जी को बधाई पत्र। चाचा जी ने हमें गिफ्ट भेजा है, उसके बदले में हमें उनको बधाई पत्र कहना है। C633 मतलब 633 देव नगर नई दिल्ली, दिनांक जिस दिन की आप पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल से हैं। आशा करता हूँ, अगर आप लड़की हैं तो करती हूँ और लड़का है तो करता हूँ, कि आप भी सपरिवार सकुशल होंगे। आपके द्वारा मेरे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दी गई घड़ी मुझे बहुत पसंद अच्छी लगी है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखता हूँ, यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मेरे सभी दोस्त इसकी प्रशंसा करते हैं। इस उपहार के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक चाचा जी ने अपने बच्चे को मतलब भतीजे को एक घड़ी मतलब जन्मदिन में एक घड़ी उपहार में दी थी, उसके बदले में जो बच्चा है वह अपने चाचा जी को पत्र लिख रहा है कि आपने जो घड़ी भेजी थी उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, उनके दोस्तों को भी बहुत अच्छी लगी थी और ये उसको अच्छे से संभाल के रखेंगे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। मेरी ओर से चाचा जी को भी प्रणाम, मतलब मेरी ओर से जो चाची जी हैं उनको भी प्रणाम। आपका भतीजा अनूप राठी। अगर आप अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपके मकान का एड्रेस लिखना होगा, नई दिल्ली तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा जयपुर, दिनांक आप जब का लिख रहे हैं और अनूप राठी की जगह आपका नाम लिख सकते हो। इस प्रकार आज हमने आपको एक तो एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र और एक लेटर पत्र, उपहार के लिए चाचा जी को बधाई पत्र, ये दोनों आपको होम टास्क में करना है और साथ के साथ इन्हें लर्न भी करना है और अब तक का वर्क कंप्लीट करने के बाद पूरा वर्क लर्न भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।